अल्लाम उरहमत ला मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज बरोज़ एतवार 11 जुलाई पहला जुलहिज़ा दो हज़ार बयालीस को मिर मुदशाह अली ख़ान साहब का और आप तमाम मर्द ख़वात का तह दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ अब मैं आपको अलीफ़ अलीस्सान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तर सा तारफ़ देना चाहता हूँ अलीफ़ अलीसान इस्लामिक फाउंडेशन एक समाजी दीनी इदारा है जिसमें दीनी इसलाही बयान दावा वर्कशॉप लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जुमा खुतबा इस्लामिक काउंसलिंग मैट्रीमोनियल काउंसलिंग इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स और फ्री खांडू नॉन मुस्लिम्स हैं अब मैं आज के हमारे मुखरिर जनाब मिर मोहत अली ख़ान साहब का मुख्तर साफ़ आपको देना चाहता हूँ हिंदुस्तान और हैदराबाद के मशहूर और मारूष शख्सियतों में आपका नाम शुमार होता है आपने बॉडी बिल्डिंग में तकरीबन पंद्रह साल तक मेहनत करने के बाद यू में मसल मेनिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में 2008 में सिल्वर मेडल यानी दूसरा दूसरा दर्जा हासिल किया है और आपने हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया है और हिंदुस्तान में बॉडी बिल्डिंग के भी आप कोच रह चुके हैं और आप अपने बयानों में अवाम को जिसमानी और रूहानी तौर पर उभारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आपने तेलंगाना के कई सारे मसाजिद में जुमा खुतबात भी दे चुके हैं मैं मुतशाम भाई के कुछ अवार्ड्स गिनाना चाहता हूँ मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट 2008 लास वेगास यूएसए में और मिस्टर यूनिवर्स फोर्थ प्लेस 2009 यूएसए में मिस्टर वर्ल्ड टू टाइम्स एट में और मिस्टर साउथ इंडिया थ्री टाइम्स 2004 थाउज़ेंड फाइव और छ दो में और मिस्टर साउथ सेंट्रल रेलवे एट टाइम्स 1998 से 2006 तक और मिस्टर आंध्र प्रदेश नौ बार और मिस्टर हैदराबाद ग्यारह बार इंडियन बॉडी बिल्डिंग टीम कैप्टन 2008 और दो साल रह चुके हैं आठ और नौ साल आठ और नौ दो साल में राजीव गांधी विद्या विकास अवार्ड 2010 में आपको मिला है माशाल्लाह से इंडिया बॉडी बिल्डिंग टीम कोच टीम के कोच भी रह चुके हैं आप 2010 में और इंडिया के पहले बॉडी बिल्डिंग कोच हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री में फोर्थ मेडल भी आपको माशा से मिल चुका है बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन दो यू एस में दो में आपको मिल चुका है माशा से और भारत गौरव सम्मान अवॉर्ड भी 2014 में आपको मिल चुका है माशाल्लाह से तो ये थे मिर मुतशाम अली साहब के कुछ अवॉर्ड्स अब मैं बिना किसी तख़िर के जनाब मीर मुतशाम अली खान साहब को दावा देता हूँ कि वह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करे बनवान हूक वाले जनाब मीर मुतशाम अली खान साहब असलकमल वरक मीना शैतवान بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وبالوالدين احسانا ان اشكروا لي ولوالديك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون याहीदिनत वकुल कौलम सदीदा सारी तारीफ़ व तस्बी अरबाब के लिए हैं जो रहमान हैं जो रहीम है जो है्योलकयम है जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है करोड़ो दरुद वसलाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहम्मद यू अला महमदिन कमा सलता अल इब्राहिम वाला इब्राहिमिदुम मजीद अल्लाह मबारक अला महमदूँ अला महमदिन कमाबारक ता अब्राहिम वालब्राहिमीदुम मजीद सब से पहले मैं अल्लाह ताली का शिक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताली ने आप लोगों के बीच अलीफ़ फ़ाउंडेशन में यहाँ पर बात करने का आज मुझे मौक़ा दिया है और आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज का मेरा अनवान हैद्देन वालदन के हकूक़ ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना इम्पोटेंट सब्जेक्ट है हम तमाम लोगों को चाहिए कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ग़ौर करें क्योंकि ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पॉटेंट है क्योंकि जिनके माँ बाप राज़ी उसका अल्लाह भी राज़ी जिनके माँ बाप नाराज़ उसका अल्लाह भी नाराज़ प्यार नबी अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह पूछते हैं अरे के नबी अल्लाह ताला को सबसे महबूब अमल अल्लाह ताला को कौन सा पसंद पसंद है जो हम लोग अगर करें तो कौन सा महबूब अमल है तो प्यार नबी अलैहि वसल्लम ने कहा असला अला वक्ती नमाज़ों को अपने वक्तों पर अदा किया करो अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब अमल है फिर अब्दुल्ल बिन मसूद रज़ी अल्लान पूछते हैं अल्लाह के नबी और कौन सा अमल है जो अल्लाह ताली को पसंद है महबूब है तो प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या कहते हैं अल्लाह के नबी कहते हैं कि अपने वालदेन के साथ नेकी करो बिर्रुल बिरदे अपने वालदेन के साथ नेकी करो लेकिन आज का हमारा जो माहौल हो चुका है अगर हम नज़र डालते हैं तो हम लोगों को अक्सर घरों में दिखता है कि जैसी रेस्पेक्ट वालदे की करनी चाहिए उतनी रेस्पेक्ट वालदेन की नहीं हो रही है तो इसीलिए मैं ये नवान चुना कि कई पेरेंट्स से जब बात होती है कई स्कूल और कॉलेजेस में जाता हूँ या कभी कोई वालदे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा लड़का बड़ा बदतमीज़ हो चुका है हमारा लड़का हमारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा कई वालदे को ये शिकायत है कि हमारा लड़का हमारी बात नहीं सुन रहा हम जो बोले उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहा कई लड़कियों के कई वालदेन का ये है कि वालदा कहती हैं कि कई हमारी लड़कियाँ जो बड़ी हो चुकी हैं हमारी बात नहीं सुन रही है तो बड़ी तकलीफ़ होती है क़ुरान इसके बारे में कहता है कज़ा रबु का अल्लाह तब्दु अल्लावालदीन एहसाना अल्लाह ताला का क्या फ़ैसला है अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी इबादत करो मेरी इबादत करो और किसी की इबादत नहीं करो और इसके साथ अल्लाह ताला ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान किया करो अपने वालदान के साथ अच्छा सलूक किया करो लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई भी आजकल का जो नौजवान हैं कहीं ना कहीं उससे हकूकालवालदन के ऊपर गलतियां हो रही है इसको दुरुस्त करने की हम तमाम लोगों को ज़रूरत है क्योंकि अगर हम वो गलतियों को अगर हम अगर दुरुस्त करते हैं तो समझिए कि हमारी आखिरत अच्छी होगी हमारी आखिरत में हमको जन्नत मिलेगी और हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी प्यार नबी अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं आके पूछते हैं अल्लाह के नबी मेरे ऊपर किसका ज्यादा हक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारी माँ का उम्मू का फिर वो सहाबी पूछते हैं क्या अल्लाह के नबी मेरे ऊपर किसका ज्यादा हक है तो प्यार नबी अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारी माँ का फिर वो पूछते हैं अल्लाह के नबी मेरे ऊपर किसका ज़्यादा हक़ है अल्लाह के नबी तीन मरतबा कहते हैं उमू का तुम्हारी माँ का फिर चौथी मरतबा वो सहाबी रसूल पूछते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारे वालिद का अबूख तुम्हारे वालिद का चौथी मरतबा का।, का मतलब ये है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने माँ का जो दर्जा बताया है तीन मर्तबा माँ का दर्जा वालिद से बड़ा है क्यों बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं सहाबी का नाम मैं भूल रहा हूँ वो साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूछते हैं अल्लाह के नबी मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया खानों पे बिठा है अल्ला के आया अल्लाह के नबी मैंने अपनी माँ को हज कराया अरे अल्लाह के नबी क्या ने मैंने अपनी माँ का अदा कर दिया बुरैदा रजी अल्लाह तन फरमाते हैं कि प्यार नबी अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी आते हैं और वो सहाबी अपनी माँ को खों के ऊपर हज कराते हैं ऐसी धूप है धूप के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं कि धूप में वो हज कराते हैं फिर उसके बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछते हैं अल्लाह के नबी मैंने अपनी माँ को खादों पर बिठा के अल्लाह के नबी धूप में हज कराया क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हक अदा करने की बात तो दूर की है जब तुम्हारी मां ने जब तुमको जन्म दिया था जब तुम्हारी मां जब तुमको पैदा कर रही थी उस वक्त तुमा, तुम्हारी मां को जो दर्द हो रहा था तुमने उस एक दर्द का भी तुमने हक अदा नहीं किया तुम क्या बात करते हो कि मां का हक तुम अदा करोगे और दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने कहा तुम हक अदा करने की बात कहां करते हो एक नाखून के बराबर भी तुमने अपनी मां का हक अदा नहीं किया का मतलब यह है हम चाहे कुछ भी कर लें हम लोग अपने माँ बाप का हक हाँ अदा नहीं कर सकते लेकिन हमको कोशिश करनी है कि माँ बाप का हक़ हाँ अदा करना है माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है और किसी के बात की किसी के शुक्र की बात अल्लाह ताला कुरान में नहीं किया अल्लाह ताला के शुक्र के बाद अगर किसी की बात है तो अल्लाह ताला कहते हैं अनिश्करोली अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो अल्लाह के बाद अगर किसी के शुक्र की बात आती तो वो अल्लाह के शुक्र की बात आती है लेकिन हम लोग माँ बाप का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं तमाम मैं नौजवानों से कहूँगा जिनके माँ बाप जिंदा हैं हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपने वालदेन के साथ हुसन सलूक करें और अपने वालदेन के साथ उनके साथ शुक्र का मामला करें उनके साथ शुक्र का मामला करें उनका, उनका शुक्र अदा करें क्यों क्योंकि हम लोग ऐसे ही बड़े नहीं हुए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं हम लोग ऐसे ही बड़े नहीं हुए हम लोग जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमको चलना सिखाया हम लोग जब छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमको बोलना सिखाया हम लोग जब छोटे थे हमारी माँ ने हमको कलमा पढ़ाया हम लोग जब छोटे थे हमारे वालिद ने हमको चलना सिखाया हमारे वालिद ने हमारे साथ बेहतरीन सलूक किया अगर वो पैदा होते ही अगर हमको मार देते या पैदा होते ही अगर वो लोग हमारे साथ बदसलूक करते तो सोचिए क्या हम आ, क्या हम जवान बन सकते थे क्या हम पढ़े लिखे जवान 20 साल के 22 साल के 24 साल के क्या हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो सकती थी अगर वो हमको स्कूल में नहीं डालते अगर कहीं कारखाने में डाल देते कहीं काम पे लगा देते तो क्या हम काबिल नौजवान बन सकते थे या अगर वो गु़स्से में आके हमारी एक टाँग या एक हाथ तोड़ देते तो क्या हम कुछ काम कर सकते थे का मतलब यह है माँ बाप का जो हक है माँ बाप का जो हक है वह इंसान कभी अदा नहीं कर सकता और हमको चाहिए कि जितना हो सके माँ बाप का शुक्र अदा करें किसी साहबी से पूछा गया कि उफ का मतलब क्या है कुरान क्या कहता है अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो उफ तक मत कहो अपने माँ बाप को अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं या ऐसी उम्र में या दोनों या दोनों में से एक अगर बूढ़े हो जाए तो तुम उसको उफ तक मत कहो और उनको क्या करो उनसे अच्छी बात करो और उनको जब भी बात करो क्या करो अच्छी बात करो उनको रेस्पेक्ट दे के बात करो खौलन करीमा अच्छी बात करो उनको रेस्पेक्ट दे के अपने मां बाप से बात करो बोल रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि अगर उफ का मतलब क्या है तो बोले उफ एक ऐसी चीज़ है ऐसी मिसाल दी गई कि अगर तुम्हारी माँ गर्मियों का गर्मियों का मौसम है अगर तुम्हारी माँ कुछ सौदा तुमसे मंगाती है और तुम सौदा ला के देते हो फिर उसके बाद तुम्हारी माँ तुमसे कहती है कि अरे बेटा तमाम चीज़ा मैं बोलना बोली थी लेकिन एक चीज़ बोलना भूल गई तुमको वो भी चीज़ लाना है तुम जरा जाओ जाके वो भी चीज लेके आओ तो अगर उस वक्त बच्चा ये कहा उफ अरे पहले बोलना था अभी नहीं बोले ये उफ तक जो है वो उफ तक हमको अपने माँ बाप को नहीं कहना है उफ तक हमारे माँ बाप को नहीं कहना है इसीलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि माँ बाप की फर्मादारी करें और बाप ये तो माँ का वाक़ बाप अगर बाप की नाफरमानी क्या है तो कहा जाता है उसकी मिसाल इस तरीके से दी जाती है बाप की नाफरमानी कैसी है सुनिए बाप की नाफरमानी ये है अगर कोई लड़का अपने कपड़ों को झटकता है अपने कपड़ों को झटकता है उसकी धूल अगर उसके वालिद के ऊपर चढ़ जाती है धूल जाके उसके वालिद के कपड़ों पे गिरती है तो समझिए वो भी नाफरमानी के उसमें आता है बोल इतनी बड़ी वईद है तो इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए माँ बाप की फरमाबरदारी करें और माँ बाप का जो हक़ है वह आदा नहीं कर सकते लेकिन हमको चाहिए कि माँ बाप के साथ हुसने सुलूक करें क्यों क्योंकि जिसका जिसका जिसके माँ बाप राज़ी उसका अल्लाह भी राजी और जिसके माँ बाप नाराज़ उसका अल्लाह भी नाराज़ यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि तीन लोगों को अल्लाह ताला तीन लोगों को माफ़ नहीं करेगा तीन लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा उसमें यह आता है पहला है माँ बाप का ना नाफरमान माँ बाप का नाफ़रमान को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे दूसरा है शराबी आदि शराबी जो शराब पीता है उसको भी अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे और तीसरा है वला तमन तस्तक जो नेकी करता है और नेकी करके एहसान जताता है नेकी करके एहसान जताना एहसान करके किसी पे एहसान जताना अल्लाह ताला ख़यामत के दिन उसको उसके ऊपर अपनी नज़र भी नहीं डालेंगे और उसको जन्नत से महरूम रखेंगे और दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला नाफरमान को अल्लाह ताला नाफरमान अगर बग़ैर तौबा करे कि ये लोग अगर मर गए तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी पहला है नाफरमान औलाद जो नाफरमान होती है उसको जन्नत नहीं मिलेगी दूसरा वो है जो दहीयों से घर में बेशर्मी के काम हो रहे हैं लेकिन वो काम होने के बावजूद भी वो नज़रअंदाज कर देता है तो उसको क्या होता है उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे तो हम तमाम लोगों को चाहिए और आदि शराबी को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे और नाफ़रमान औलाद की एक एक उसमें हदीस में आता है जो नाफ़रमान होता है उसके लिए उसकी फ़र्ज़ नमाजें और उसकी नफिल नमाजें भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे नाफरमान औलाद की फ़र्ज़ नमाजें और नफिल नमाजें भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे ये माँ बाप का दर्जा है प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कहते थे कि अगर मेरी माँ अगर मैं नमाज के लिए ठहर गया और मेरी माँ अगर ज़िंदा होती और मेरी माँ मुझको आवाज़ देती तो मैं नमाज़ तोड़ के मैं मेरी माँ के पास चला जाता बोल रहे मेरी माँ जिंदा नहीं है मैं जब माँ के पेट में था मेरे वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया जब मैं माँ के पेट में था माँ मैं जब पैदा हुआ मैं जब छः बरस का हुआ मेरी वालदा का इंताल हो गया मैं जब बारह बरस का हुआ मेरे दादा का इंताल हो गया मेरे ऊपर से शफक्त के जो शफ़क्त के जो दर्जे जो मेरे जो रिश्ते थे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिश्ते ख़त्म हो गए बोलते अल्लाह के नबी तो इसीलिए माँ बाप की फर्माबर्दारी हम तमाम लोगों को करना जरूरी है और माँ बाप की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है माँ बाप की दुआएं हम तमाम लोगों को लेने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि माँ बाप की दुआएं मूसा सलाम को भी माँ बाप की दुआ की ज़रूरत थी दोस्तों मूसा सलाम का वो वाक मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा मूसा सलाम तूर पे चढ़ना चाहते हैं मूसा सलाम तूर पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला आवाज दे के कहता है मूसा रुक जाओ मूसा सलाम परेशान हो जाते हैं कहते हैं अल्लाह मैं सवाल तक नहीं आया अल्लाह मैं आपसे सवाल भी नहीं किया अरे अल्लाह मैं पहाड़ पे पहुंचा भी नहीं आप मुझको रुकने के लिए कह रहे हैं क्या बात है अल्लाह आप मुझको रुकने के लिए कह रहे हैं तो अल्लाह ताला आवाज दे के कहते हैं मूसा तुम ये ना समझना मूसा तुम नबी है बोल के हम तुमको हर चीज अता करते थे मूसा मूसा तुम जब घर से निकलते थे मूसा तुम्हारी माँ दरवाज़ा बंद करते हुए ये दुआ करती थी अय अल्लाह मेरा बेटा मूसा ज़िद्दी है कुछ मांग ले तो दे देना तो अए मूसा हम तुमको दिया करते थे मूसा और अय मूसा तुम्हारी मां की हम दुआ कबूल करते थे और हम तुमको अता करते थे मूसा मूसा जो चार हाथ तुम्हारे पीछे दुआ के लिए उठते थे मूसा वो चार हाथ आज तुम्हारे पीछे नहीं है मूसा मूसा वो चार हाथ आज तुम्हारे पीछे नहीं है मूसा आज कुछ मांगना तो संभल के मांगना चाहे तो हम देंगे चाहे तो रद्द कर देंगे मूसा बिन इमरान सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला के सामने आह बका करना शुरू कर देते हैं ये वालदेन की दुआएं हैं दोस्तों जो मूसा सलाम के लिए भी जरूरी थी और हमारे लिए माँ बाप की दुआएं कितनी जरूरी है सोचिए माँ बाप कुछ कहते हैं बच्चा बाप की हाइट में आ गया या वालदा की हाइट में आ गया बच्चा या बच्ची एट्थ हो गया नाइन्थ हो गया टेंथ में जैसे आ गए या इंटरमीडिएट में आ गए माँ कहती है कुछ काम करिए तो माँ को पलटा के जवाब दिया जाता हाँ नहीं करते हाँ करेंगे बाद में यह भी नाफरमानी में आता है दोस्तों ये तक आप जो माँ बाप कहें उसको सर झुका के अपने सर को कलम नीचे झुका के अपने माँ बाप के सामने झुक के बात करने का है क्यों जन्नत अगर चाहिए और अल्लाह ताला के सामने अगर महबूब बनना है तो माँ बाप की फरमा बरदारी जरूरी है दूसरा वाक्य में आता है मूसा आसमाम अल्लाह ताला से पूछते हैं अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा तो अल्लाह कह अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में तुम्हारा साथी एक खसाई होगा तो बोले खसाई जो गोश्त काटता है वो खसाई मेरा साथी और हाँ मूसा वो खसाई तुम्हारा जन्नत में साथी है मूसा सलाम वो खसाई के पास जाते हैं और मूसा सलाम को खसाई से कहते हैं कि मैं एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ वो खसाई कहता है मूसा सलाम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते वो खसाई से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहना चाहता हूँ तो वो खसाई कहता है रहिए क्या प्रॉब्लम है तो वह खसाई दुकान पर रहता है अपना गोश्त काटता है पूरा गोश्त बाँटता है वो पूरा गोश्त बेचता है उसके बाद कुछ गोश्त अपने थैली में लेता है बचा हुआ फिर उसके बाद रात होती है वो घर जाता है घर जाने के बाद उस वो अपनी माँ के पास जाता है माँ को उठाता है उसको मुँह धुलाता है वो गोश्त का सालन बनाता है फिर उसके बाद सालन बना के रोटी बना के अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाता है माँ को उठाता है खाना खिलाता है पानी पिलाता है फिर उसके बाद माँ कुछ कहती है सलाम, दूर से ये वाक़े को देख रहे हैं देख रहे हैं कि माँ को खिला रहा है पिला रहा है उसके बाद वो कुछ बुरबुरा रही है बुरबुरा के वो कुछ कहती है वो फिर माँ को लिटाता है लिटा के वापस आता है मूसा सलाम पूछते हैं ये कौन औरत थी तो वो कहता है ये मेरी माँ थी ये बीमार है ये चल फिर नहीं सकती ये बिस्तर पर है और मैं जब इसके पास आता हूँ मैं इसको खिलाता हूँ पिलाता हूँ फिर उसके बाद मूसा सलाम हम पूछते हैं कि ये खाने पीने के बाद तुम्हारे से कुछ कह रही थी क्या कह रही थी तो वो कहते हैं मेरी माँ मुझको मुझसे इतनी मोहब्बत करती है मुझको इतना चाहती है और वो मुझसे कहती है कि अगर वो कहती है अल्लाह मैं खिलाता हूँ पिलाता हूँ तो उसके बाद मेरी माँ मुझको दुआ दे के कहती है अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना ये देख के मूसा सलाम समझ जाते हैं कि माँ की ख़दमत करने की वजह से खसाई को मेरा साथी बनाया गया ये माँ बाप की खिदमत का नतीजा है दोस्तों लेकिन हम लोग माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं माँ बाप की खिदमत करना है क्यों खिदमत करना है प्यार नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं जन्नत में जब मैं दाखिल हुआ जन्नत में मैं जब गया तो मैंने क्या करा मैं क्या करा मुझको एक तिलावत सुनाई दी दखलतुल जन्नत फी सम्मई तु खिरातुन मैं जब जन्नत में दाखिल हुआ तो मुझे खिरत की आवाज सुनाई दे रही थी कुरान की मैंने मालूम किया ये किसकी किसकी खिरत की आवाज है मैं पूछा तो फरमाया गया ये नुमान बिन साबित हैं नुमान बिन साबित रजी अल्लाह तआला की किरत को अल्लाह ताला ने जन्नत में गुजा गुंजा दिया और जन्नतियाँ वो खिरत से महजूज़ हो रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते हैं नुमान बिन हारिसा की ये खिरत जन्नत में क्यों गुंजाई गई तो पता चला नुमान बिन साबित रजी रजील् तन इतने नेक इंसान हैं वो माँ के इतनी खिदमत करते हैं इतनी खिदमत करते हैं कि माँ की खिदमत करने की जैसे जब वो दुनिया में जमीन पे जब वो कुरान पढ़ते हैं अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को उनकी सुनाते हैं यह मां बाप की खिदमत का नतीजा है दोस्तों लेकिन हम लोग आज मां बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं कोई मां बाप बीमार पड़ता है मैं हाल ही में एक मुझे ओल्ड एज में जाने का मौका मिला तो मैं वहां देखता हूं कई ऐसे बूढ़ी औरतें और मर्द वहां पर मौजूद है ओल्ड एज होम में वो लोग कहते हैं कि पानी पिला पानी लेके आ रहा हूं बोल के मेरा बेटा मुझको छोड़ा छोड़ के चला गया पानी लाने के लिए मुझे छोड़ के यहां पर चला गया अब तक मेरा बेटा नहीं आया अभी कुछ लाने के लिए मैं छोड़ता हूं बल्कि किसी को एक अपना अपना बेटा अपने बूढ़े बाप को जिसको डिमेंशिया हो गया आप यहां ठहरी अभी आता हूं बोल के डिमेंशिया के मर्ज मरीज को अल्जाइमर के मरीज को वो वहां पर छोड़ता है छोड़ के वहां से चला जाता है क्या ये इस्लाम है दोस्तों क्या हम क्या मैसेज दे रहे हैं इस्लाम तो माँ बाप के हकूक को माँ बाप के दर्जे को इस तरीके से बताया अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस में आता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मां के ख़दमों के नीचे जन्नत है और दूसरे हदीस में आता है बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है क्या हम लोग जन्नत को घर में उनकी खिदमत करके अच्छा उनका ख्याल रख रहे हैं या ऐसे लोग जो अपने बूढ़े मां बाप को वहां पर ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं या ऐसा वाकत हमारे सामने आ रहे हैं कि बेटा अपनी मां को झिड़की भी देता है एक जगह पे मैंने सुना कि वो अब मां को झिड़की भी देता है वो गाली भी देता है क्या उसको जन्नत मिल सकती है जन्नत उसको नहीं मिल सकती उफ 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 की आयत है उफ तक मत कहो जब वो बूढ़े हो जाएं, उनकी उम्र बूढ़ी हो जाए वो बीमार पड़ जाए दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो तुम उनकी खिदमत करो उनको उफ्तक मत कहो कौलन खुल करीमा उनके साथ रेस्पेक्ट से बात करो क्यों कुरान में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कहते हैं याबती ऐ मेरे मोहतरम बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद शिर्क करने वाले थे शर्क करने वाले बाप को भी इब्राहिम सलाम मोहतरम बाप कह के कुरान में अपने वालिद से कहते हैं अए मेरे अब्बू अय मेरे मोहतरम बाप आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं वो बहरे हैं फिर उनकी आप क्यों पूजा करते हैं या आबती का लफ्ज आया है चाहे तो वो सिर्फ अब्बू कह सकते थे लेकिन कुरान में उन्होंने क्या किया या आबती अय मेरे मोहतरम बाप और उन्होंने क्या दुआ की रब नग फिरली वली वाली दया वली मीना योम यक़ूमिसाब ए अल्लाह मेरे वालदे के साथ ए अल्ला उनके वालदे के साथ अच्छा सलूक करिए और उनके गलतियों को माफ़ करिए और उनके ऊपर रहम फरमाइए रब नग फिरली उनके उनकी मफफ़िरत फरमाइए वलि वालिया मेरे माँ बाप की वलोमीना यमा यकुमसाब हिसाब के दिन अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम वक, रहम फरमाइए उनकी मफफ़रत फरमाइए का मतलब यह है अगर किसी का बाप काफिर भी हो जाए अगर किसी का बाप वो अगर मुशरक भी हो जाए तो उनके साथ अच्छा सलूक करना हैसन सलूक करना है उनको उब तक नहीं कहना है लेकिन हम लोग उफ के बजाय मां बाप को गाली से बात मां बाप को झिड़की से बात बहुत अफसोस होता है दोस्तों कई कॉल्स हमारे पास आते हैं हाल हाल में एक वाकया हुआ मां ने कुछ बच्चे से कहा और वो बच्चा अपनी बीवी की ताइद में अपनी मां को गाली देता है अपनी माँ को गाली देता है अपनी माँ को झिड़की से बात करता है ऐसे नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा जो अपने माँ बाप को झिड़की से बात करते हैं या गाली देते हैं या धक्का मारते हैं उनका हशर दुनिया में भी बुरा होगा आखिरत में भी बुरा होगा क्यों क्योंकि मां बाप का नाफरमान को अल्लाह ताला दुनिया में लोगों के लिए नसीहत के लिए दुनिया में भी उन लोगों को क्या करते हैं अल्लाह ताला दुनिया में भी सजा देते हैं आप कई नाफरमान औलाद को देखिए जो मां बाप के नाफरमान हैं कोई फुटपाथ पे होता है कोई ऐसा गली गली फिरता है उसको कोई ठिकाना नहीं मिलता यहां पर भी उसको क्या होगा यहां पर भी उसको अजाब दिया जाएगा दुनिया में भी अजाब मिलेगा और आखिरत में भी अजाब मिलेगा ये बात हमारे जो नौजवान हैं समझ नहीं पा रहे हैं क्यों इल्म की कमी है कुरान को खोल के नहीं पढ़ते कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते अहादीस को नहीं पढ़ते इल्म की कमी है क्यों क्योंकि उन्होंने इल्म सिर्फ क्या किया स्कूल और कॉलेज का इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन जो असल इल्म है दीन इल्म को वो छोड़ दिए और छोड़ के वो लोग क्या किए दुनियादारी में ज्यादा लग गए इसलिए उनको नॉलेज नहीं है उनको मालूम नहीं है कि वालदेन का हक क्या है और वालदे के साथ किस तरीके से सलूक करना है वालदेन के साथ बदसलूकी अलखमा रजील्ला वाक़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा अल्खमा रजी अल्लाह बहुत नेक सहाबी हैं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के पास कोई आते हैं आके कहते हैं अल्लाह के नबी अलखमा का आखिरी वक्त है अलखमा बहुत बीमार हो चुके हैं अल्लाह के नबी लेकिन अलखमा की सांसें रुकी हुई है अलखमा की सांसें अटकी हुई है अल्लाह के नबी अलखमा के अलखमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है अल्लाह के नबी अलखमा का आखिरी वत है वक्त है प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या अलखमा के माँ बाप ज़िंदा हैं तो साहब ही कहते हैं अल्लाह के नबी अलखमा के माँ माँ बाप अल्लाह के नबी उनके बाप का इंतक़ाल हो चुका है अलखमा की माँ ज़िंदा है अल्लाह के नबी प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलखमा की माँ को बुलाते हैं बुला के पूछते हैं अलखमा कैसा लड़का है माँ कहती है अल्लाह के नबी अलखमा नेक लड़का है नमाज़ पढ़ता है कुरान पढ़ता है अल्लाह के नबी तहज्जुद भी पढ़ता है अलखमा नेक लड़का है नबी वसल्लम मां से पूछते हैं क्या तुम अपने लड़के से राजी हो तो मां कहती है अल्लाह के नबी नहीं मैं अपने अपने लड़के से मैं राजी नहीं हूं अल्लाह के नबी क्यों क्यों ना क्यों राजी नहीं हो क्यों नाराज हो अपने लड़के से तो वो कहती है अल्लाह के नबी जब भी अलखमा बात करता है अल्लाह के नबी मेरे दिल को तकलीफ देता है और अलखमा अपनी बीवी की बात सुनता है मेरी बात नहीं सुनता अलखमा मेरे दिल को तोड़ देता है जब भी बात करता है अलखमा मेरे दिल को तोड़ देता है अल्लाह के नबी प्यार नबी अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम अलखमा को माफ कर दो कहती है अल्लाह के नबी मैं अलखमा को माफ नहीं करूंगी अलखमा मेरे दिल को बार बार दुख देता है मैं अलखमा को माफ नहीं करूंगी प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को दे के कहते हैं बिलाल लकड़ियां इकट्ठा करो बिलाल मां पूछती है अल्लाह के नबी लकड़ियां क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं अलखमा की मां को अल्लाह के नबी कहते हैं अलखमा को हम लकड़ियां इकट्ठा करके अलखमा को हम इसके अंदर जला देते हैं क्यों तुम अगर अलखमा को माफ नहीं करोगी अलखमा जहन्नुम में जलेगा अलखमा को जहन्नुम में जलाने के बजाय हम अलखमा को यहीं पे जला देते हैं मां कहती है, अल्लाह मा के नबी मैं अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती अल्लाह के नबी अलखमा को मत जलाइए मैं अलखमा को माफ करती हूं जैसा ही अलखमा की माँ अपने बेटे को माफ करती हूं कि जै जैसे ही उसके जबान से लफ्ज निकलता है अलखमा की जुबान पे कलमा जारी हो जाता है और अलखमा का इंतकाल हो जाता है का मतलब यह है अगर हमारी माँ हमसे नाराज है अगर हमारा इस दुनिया में अगर इंतकाल हो जाता है तो हमारी सांसों को भी प्रॉब्लम है तैरण नबी वसल्लम अलखमा का जनाजा पढ़ाने के बाद सहाबा इक्राम से कहते हैं कि माँ बाप की फरमाबरदारी करें माँ बाप के साथ हुसन सलूक करें माँ बाप के साथ अच्छा रवैया करें ये हमारे माँ बाप का मर्तबा है लेकिन हमारी औलादें आजकल के जो नौजवान हैं अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनते और अपने माँ बाप की बात को ठुकराते हैं और अपने माँ बाप की बात को छोड़ देते हैं लेकिन माँ की दुआएं लेना हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कहा प्यारा नबी अलैहि वसल्लम की हदीस के रसुल्ला के पूछते हैं अल्लाह अल्लाह के नबी मेरे ऊपर किसका ज्यादा हक है अल्लाह के नबी तीन मरतबा कहते हैं कि तुम्हारी माँ का हक है एक शायर कहता है कि माँ की दुआ के ऊपर एक शायर कहता है कि बुझते हुए दिए पे बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया ये हमारी माँ का मुक़ाम है वो दवा में असर शिफा जब होगी जब आएगी जब माँ दुआ करेगी इसलिए माँ की दुआ हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि माँ की दुआएं लें और वो हदीस में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा मस्जिद नबवी में प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं एक कदम पे आप एक सीढ़ी पे कदम रखते हैं कहते हैं आमीन फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं कहते हैं आमीन फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं कहते हैं आमीन साहबा इक्राम अल्लाह के नबी को देखते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी से पूछते हैं अल्लाह के नबी हमने आपको एक आज नया आ, काम करते हुए देखा आप कभी भी आमीन आमीन तीन मरतबा नहीं बोले आप जब सीढ़ी पर कदम रख रहे थे आमीन कह रहे थे तो प्यार नबी सल्ला वसलम ने कहा कि जब मैं सीढ़ी पे पहली सीढ़ी पे कदम रख रहा था जबरील अमी वहाँ पर आए और आके उन्होंने कहा अगर किसी को उनके बूढ़े माँ बाप अगर किसी को मिले बूढ़े माँ बाप या बाप या माँ बूढ़े मिले और वो उसकी ख़िदमत ना करें तो जबरील अमी ने कहा कि वो हलाक व बर्बाद हो जाए तो मैंने कहा आमीन फिर भी जब दूसरी सीढ़ी पर मैं क़दम रख रहा था प्यारे नबी वसल्लम ने कहा कि जबरील अमी ने मुझसे कहा कि अगर किसी को रमज़ान का महीना मिले और वह रमज़ान के महीने में अपनी मखफरत ना करा ले तो वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए बोले तो अल्लाह के नबी ने कहा मैंने कहा आमीन मैं जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो जबरील अमी ने कहा अगर किसी के सामने मेरा नाम आ जाए और मेरा नाम आने के बाद वो दुरूद ना भेजे तो वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैंने कहा आमीन इससे हम ये हदीस से हमको पता चलता है कि कितना माँ बाप का दर्जा बुलंद है और अल्लाह के नबी ने क्या क्या कहा आमीन कहा जबरील अमीन ने कहा कि अगर वो माँ बाप को बूढ़ा पाए और उनकी ख़िदमत ना करे तो वो हलाक व बर्बाद हो जाए बोले और तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा आमीन कहा तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह के नबी की आमीन है और जबरील अमीन की बदुआ है इसीलिए माँ बाप की फर्माबरदारी करना हम तमाम लोगों को माँ बाप का फर्माबरदार होना है माँ बाप के साथ हुसने सलूक करने की ज़रूरत है इतना बड़ा मर्तबा है इतना बड़ा मर्तबा है मस्जिद नबवी में एक सहाबिया रसूल तलवार तेज कर रहे हैं अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं देख रहे हैं एक सहाबी आते हैं तलवार तेज़ कर रहे हैं उनका अमामा ढलक रहा है पसीने में शराबोर हैं अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि साहबी पसीने में शराबोर है तलवार तेज़ कर रहे हैं जोश में हैं जज्बे में हैं प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तलवार तेज़ करने के बाद आते हैं आके कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे जिहाद का हुक्म दीजिए मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ अल्लाह के नबी उस नौजवान के जज्बे को देखते हैं देख के कहते हैं अरे नौजवान तुम्हारा जज्बा तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपने माँ बाप को किस हाल में छोड़ आए हो वो सहाबी रसूल एकदम जो जज्बे में थे वो बिल्कुल नर्वस होकर अपनी मुंडी को झुका के कहते हैं अल्लाह के नबी जब मैं आ रहा था जिहाद के लिए आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी और मुझको रुकने के लिए कह रही थी मैं अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के अल्लाह के नबी तो अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान तेरा ये जिहाद का जज्बा ये सब हेट है तू जा अपनी माँ की खिदमत कर अगर तेरी माँ कहे तुझको इजाजत दे तो जो जिहाद के लिए आना वरना तू उनकी खिदमत कर ले वो जिहाद के उतना बड़ा सवाब तुझको मिलने वाला है ये जिहाद का मर्तबा है माँ की ख़िदमत का मर्तबा क्या है जिहाद के बराबर है इसीलिए लिए अवैसे करनी अवैसे करनी के बारे में आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवैसे करनी नहीं देखे अवैसे करनी अल्लाह के नबी से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी माँ बीमार थी तो अवैसे करनी ने क्या किया अपनी माँ की खिदमत की और इतनी खिदमत की अवैसे करनी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला वसलम नेमर रजील्ला को बुलाया बुला के कहा उमर अगर तुमको किसी से अगर दुआ करना करवाना पड़ा तो तुम देखो कि अवेसे करनी अगर आए तो तुम उमर उमर से अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अवेसे करनी से दुआ कराना उमर रजील्ल्ला इंतज़ार करते और एक मरतबा पता चलता कि खरन से अवेसे करनी के जो शहर है उससे लोग आए हैं तो मालूम होता है कि अवेसे करनी भी आए हैं उमर रजील्ला तहाँ पर जाते हैं जाके अवयस करनी से मिलते हैं मिल के देखते हैं कि अवैसे करने क्या वही है उनके ऊपर कोई निशान का एक निशान होता है वो चेक करते हैं फिर वो पूछते हैं कि क्या आप अवेश हैं तो वो कहते हैं हाँ मैं अवेश हूँ तो उमर रजील्ला कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए का मतलब ये है कि माँ की खिदमत की वजह से उनका मुकाम इतना बढ़ गया उमर रजील्ल्ल आन को अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर अवेश मिले तो तुम उनसे दुआ कराना इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह त दिया इसीलिए हमको भी चाहिए माँ बाप की खिदमत करें और माँ बाप का मर्तबा जो है वो सबसे बड़ा है दोस्तों कुरान में क्या है अल्लाह ताला क्या फैसला बता रहे हैं कि मेरी इबादत करना और दूसरी जगह क्या है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना वह आती और व आती और रसूल फिर उसके बाद में क्या है व खजा रबू का अला ताबुद क्या है व खजा रबू का अब्दो अल्ला व बिल एहसाना अल्लाह का फैसला यह है कि अल्लाह की इबादत करें किसी की इबादत ना करें अल्लाह की इबादत करें फिर अल्लाह फिर उसके बाद इसके साथ में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं वह वा बिल वालद एहसाना अपने वालदे के साथ एहसान करो एहसान करने के बजाय बार बार वालिद से झिड़की से बात और बदतमीजी से बात की जाती है मैं उन नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ अगर आप अपनी जिंदगी को खराब करना चाहते हैं या अच्छी करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है अगर अच्छी करना चाहते हैं वालदेन के साथ उसने सुलूक कीजिए अगर ख़राब करना चाहते हैं तो जो बदतमीज़ी करेगा वो सीधा क्या होगा जन्नत में जाएगा नाफ़रमान औलाद को माफ़ी नहीं है तो इसीलिए एक साहब या रसूल हजूर अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत करते हैं अल्लाह के नबी मैं बहुत कुछ कमाता हूँ अल्लाह के नबी लेकिन उसके बाद मेरे वालिद क्या करते हैं मेरी सारी कमाई मेरे वालिद ख़र्चा कर देते हैं मैं उसको बचा के रखना चाहता हूं लेकिन मेरे वालिद वो सारी कमाई ख़र्चा कर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है तुम्हारे वालिद को बुला के लाओ हम बात करेंगे तो वह कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे वालिद काफिर हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है काफिर है तो भी तुम उनको बुला के लाओ हम उनसे बात करेंगे प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी को कहते हैं वालिद को बुला के लाओ वालिद को बुलाया जाता है अल्लाह के नबी वो बूढ़े शख्स से पूछते हैं क्या तुम अपने वा अपने बेटे की सारी की सारी कमाई तुम खर्चा कर देते हो उसके लिए बचा के नहीं रखते क्या ये बात सही है तो वो बूढ़ा शख्स कहता है हाँ अल्लाह के नबी ये बात तो सही है लेकिन आपके सामने क्या मेरा बेटा शिकायत किया हाँ आपका बेटा मेरे सामने शिकायत किया कि आप पूरी इसकी कमाई ख़र्चा कर देते हैं तो वो कहता है अल्लाह के नबी मेरे बेटे से पूछिए कि मैं ये कमाई किसके ऊपर ख़र्चा करता हूँ अल्लाह के नबी पूछते हैं कि तुम अपनी ये कमाई जो तुम्हारे वालिद लेते हैं किस पे ख़र्चा करते हैं तो वो बेटा कहता है अल्लाह के नबी मे मेरी जो कमाई है मेरे भाइयों बहनों में और मेरे क़रीबी रिश्तेदारों में मेरे मेरे वालिद खर्चा कर देते हैं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम देखते हैं कि बूढ़ा शख्स रो रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े शख्स को करीब बुलाते हैं बुलाने के बाद कहते हैं कि बच्चे से कहते हैं अगर तुम्हारे वालिद तुम्हारी सारी की सारी कमाई ले ले सारी कमाई लेने के बाद एक उंगली काटी फिर उसके बाद एक दूसरी उंगली काटी फिर उसके बाद तुम्हारा हाथ काटा तुम्हारे बदन के टुकड़े टुकड़े भी करके अगर ले ले तुम अपने वालिद को उफ तक नहीं कह सकते तुम्हारे वालिद तुम्हारी जो सारी की सारी कमाई है तुम्हारे पर तुम्हारे वालिद का हक है अगर तुम्हारी कमाई लेते हुए तुम्हारे बदन के अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दे तुम्हारे वालिद तो तुम उफ तक नहीं कह सकते बोल के ये बात सहाबी को अल्लाह के नबी समझाते हैं समझाने के बाद बूढ़े शख्स से कहते हैं कि ज़रा तुम जो मेरे मेरे उसमें मता में जो शेर कहे हो मेरी शान में जो शेर तुमने कहे ज़रा वो शेर तो मुझे सुनाओ वो बुढ़ा शख्स कहता है अल्लाह के नबी आपको कैसे मालूम कि मैंने आपकी शान में अशार कहे हैं अल्लाह के नबी कहते हैं उसने मुझे बताया जिसने आज यहाँ पर तुझे बेइज़्ज़त होने से बचा लिया उसने मुझे बताया कि तू मता के शेर मेरे मेरे उसमें तू शेर पढ़ता है तो प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कहते हैं वो बूढ़ा शख्स अल्लाह के नबी की शान में शेर शुरू करता है शेर सुनाता है प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कहीं देखो कहीं तुम्हारी ज़ुबान कलमे का कहीं अखरार तो नहीं कर रही है जैसे ही वो शेर पढ़ता है पढ़ते पढ़ते वो प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ता है अशदुल्ला व अशद महमद हूँ व रसूल का मतलब यह है कि हमारे वालिद या हमारी माँ हमारी सारी दौलत ले ले और हमारे टुकड़े भी करे तो हम कुछ नहीं कह सकते सिर्फ़ नमाज के लिए या अल्लाह की इबादत के लिए रोके तो वहाँ पर रुकना है वरना माँ बाप की खिदमत करना है चाहे तुम्हारे माँ बाप काफिर या मुश्क क्यों ना हो जाए तुम्हारी माँ बाप के साथ हुसन सलूक किया करो इसीलिए आज हम तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि माँ बाप का मरतबा बहुत बड़ा है और माँ बाप के लिए हम तमाम लोगों को चाहिए माँ बाप की बात सुने क्योंकि अब कुर्बानी का मामला आ रहा है बहुत जल्द हमको अब आज से पहली ज़िल हिज्जा है हम तमाम लोगर्बानी करने वाले हैं लेकिन हमको बहुत लोगों को नहीं मालूम कि कुर्बानी क्यों करते हैं क्या मामला है इब्राहिम सलाम को बार बार ख्वाब पड़ता है इब्राहिम आसलम को बार बार ख्वाब पड़ रहा है कि तुम अपने बेटे की कुर्बानी करो एक मरतबा खाब पढ़ता है दो मरतबा फिर उसके बाद क्योंकि अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं वह अल्लाह की तरफ़ का इशारा होता है बार बार ख्वाब पढ़ता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इब्राहीम जिसको दूसरी बीवी से बीवी हाजर से इस्माइल सलाम पैदा हुए थे उससे पहले सारा सलाम के साथ आपकी औलाद नहीं थी बहुत दिनों के बाद बहुत सालों के बाद इब्राहीम को औलाद हुई थी बीबी हाज़र से इसमाईल सलाम पैदा हुए इसमाइल सलाम तेरह साल के हैं देखिए दोस्तों आजकल हम लोग कितने नाफ़रमान हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के कैसे फरमाबरदार बेटे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुनाते हैं कहते हैं बेटा मैंने देखा कि मैं तुमको ज़ुबा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला बार बार मुझे ये इशारा दे रहा है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये अमल मुझको करना है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे अब्बू आपको अगर अल्लाह का ये हुक्म है तो अये अबू मैं तैयार हूँ आप मुझे ले जाइए और मुझे आप जुबा कर दीजिए मैं जुबा होने के लिए तैयार हूँ इतने दिनों की इतने सालों के बाद औलाद हुई और अल्लाह ताला इब्राहिम सलाम से इम्तिहान रह रहे हैं और इस्माइल सलाम ऐसे फर्मा बरदार बेटे हैं वो कहते हैं अल्लाह के नब अबू आप मुझे ज़ुबा कर दीजिए आप मुझे सतून इन शाह हूँ क्या है वो आयत क्या ए अबू आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे ए अब्बू आप मुझे ले जाइए और आप जुबा कर दीजिए इब्राहिम सलाम ले जाते हैं ले जा के जुबा करना चाहते हैं बेटा कहता है अबू आप मुझको जुबा होते हुए नहीं देख सकेंगे आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए इब्राहिम सलाम अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं और जुबा करने के लिए चाकू को तेज़ करते हैं और ज़ुबा करने के लिए बिसमिल्ला अकबर कह के वो छुरी चलाना चाहते हैं लेकिन छुरी वापस आ जाती है वो चलाना चाहते हैं छुरी वापस आ जाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि छुरी बराबर तेज नहीं है इसलिए गर्दन नहीं कट रही फिर वो छुरी को क्या करते हैं तेज़ करते हैं उनके बार बार जब वो ज़ुबा करने के लिए जाते थे शैतान बार बार उनको भटकाता था, था कि अपनी औलाद को जुबा मत कर इब्राहिम रुक जा लेकिन वो शैतान को पत्थर मारते हुए चले जाते हैं फिर दूसरी मरतबा फिर शैतान रुकाता है फिर पत्थर मारते हैं फिर चले जाते हैं जब छुरी चलाते हैं तो छुरी तेज़ छुरी जो है वो उसके ऊपर गर्दन पर नहीं चलती वो समझते हैं कि छुरी तेज़ नहीं है वो तेज़ करते हैं फिर उसके बाद फिर छुरी छुरी चलाना चाहते हैं अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने इम्तिहान में कामयाबी देते हैं और वहाँ पर अल्लाह ताला जन्नत से एक दुम्बा अल्लाह ताला वहाँ पर भेजते हैं और वो जैसे ही फिर इब्राहिम छुरी चलाना चाहते हैं वो छुरी जाकर क्या करती है उस दुम्बे के गर्दन पे वो जुबा हो जाता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाज़ू ठहर जाते हैं अल्लाह ताला वहाँ पर दुम्बे को भेज देते हैं और दुम्बे कुर्बानी वहाँ पर हो जाती है ये कुर्बानी वालिद के लिए अपने बेटे ने दी और अल्लाह ताला ने क्या किया उसको हमारे ऊपर कुर्बानी को क्या कर दिया वाजिब कर दिया इसीलिए हम बार बार कुर्बानी करते हैं और हम तमाम लोगों को चाहिए कि इस वाक़े से भी हम तमाम लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है क्योंकि ज़िलजा का महीना है हमको इस पे सबक हासिल करना है और हमारी जो नीयत है जब भी क़ुरबानी करें वो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि तमाम चीज़ अल्लाह के लिए क्या है वो आयत कुरान में अल्लाह ताली क्या फरमाते हैं इन सलाती व नी व माहिया व ममाती लाही रबालमीन मेरी नमाज मेरी मेरीबानी मेरी ज़िंदगी मेरी मौत रब्बालमीन के लिए है क्योंकि अल्लाह ताला को कोर्बानी का गोश या ख़ून नहीं पहुँचता हमारी नीयत पहुँचती है इसीलिए अच्छी नीयत से कुर्बानी का महीना आ रहा है अच्छी नीयत से कुर्बानी कीजिए और अरफे का जो रोज़ा है वो अरफे का रोज़ा भी हम तमाम लोगों को रखने की ज़रूरत है जो अरफे का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके पिछले गुना और आने वाले साल के गुना दो साल के गुना अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह इसीलिए मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि फ़ोकुलवालदे का जो मामला है हम तमाम लोग माँ बाप की फरमाबरदार हो जाएं और माँ बाप की खिदमत करने वाले बंदे बन जाएँ और जब तक जितना हो सके माँ बाप की खिदमत करें चाहे हमको वो कुछ भी कह लें चाहे वो हमारे साथ कोई भी सलूक करें लेकिन माँ बाप के साथ झिड़की से पेश नहीं आना है और माँ बाप को उफ तक नहीं कहना मेरे अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसके ऊपर अमल पैरा होने की तोफ़ी कता फ़रमा अय अल्लाह जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पे ज़िंदा रख अल्लाह जब हमारा ख़ातिमा हो हमारी ज़ुबानों पर ला इला महमदर रसोल्ला का कलमा जारी फ़रमा अय अल्लाह जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा अयल्ला जिनके औलाद अल्लाह ना फरमान हैं वो औलादों को अल्लाह मर्द बार बना दे अल्लाह जो औलादें अपने वालदे के लिए दुआ नहीं करती अः अल्लाह उन औलादों को अल्लाह आप तोफ़ी अता फ़रमाइए कि वो दुआ करें रब्बिर हम हम खमा रबानी स़ीरा अल्ला हम तमाम लोगों को अय्ल माँ बाप का फ़रमा बरदार बना अ प्यार नबी सल्ह वसलम की रिफाकत नसीब फ़रमा जन्नतुल जन्नतफरदोस में आपका दीदार नसीब फ़रमा अय ल हम तमाम लोगों को जिस तरीक़े से यहाँ पर आपने जमा किया है अः हम तमाम लोगों को जन्नतफ़रदोस में जमा फ़रमा आमीन व आखिरद्वाना अनिलहमदल रबालमीन सुबहहा रबिक रब्ज़तीमा सिफ़ून वसलम अल मरसैन वल अलहमद लाब जजाकल्लाउ खैर तो ये थे जनाब मीर मतशा अली खान साहब मीर मतशा अली खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें कई सारे बातें कुरान और हदीस के रोशनियाँ बताए हैं और मैं मीर मैं मेर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने आज हमें वक्त दिया है आखिर में मैं अल्लाह सुबहान ताली से शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि महस अल्ह की नुसरत और फजलोक करम से आज का हमारा प्रोग्राम कामयाब रहा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली मीर मुतर अली खान साहब से ऐसे ही दिन की खिदमत लेते रहें यहाँ हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं सुबह नकल विहम दिका अशद मल्ला इलाहा इलास्तफिरों का वातु भी लगी